आज दार्जिलिङ पुलिसले पुलिस अधीक्षक डाक्टर सन्तोष निम्बलकरको उपस्थितिमा 41 वटा उद्धार गरिएका मोबाइलहरू उनीहरूको मालिकलाई एक सामान्य कार्यबीच सुम्पिएको छ। यस अवसरमा पुलिस अधीक्षक निम्बलकरले यस्तो गिरोहको विरुद्ध पुलिसको कारवाही जारी रहने साथै ड्रग्स बेच बिकन विरुद्ध पनि कारवाही गर्ने भन्दै उनले त्यसको निम्ति मानिसहरूलाई पनि पुलिसको सहयोगको निम्ति अघि आउने अपील गरेका छन्। ज्योति धन्यवाद। अगुवामा अन्डरमा एएसआई निर्मल र हाम्रो यहाँ कन्स्टेबल गुरुकुल यहाँ थुप्रै बढाएको छ। एक्सपिरियन्स के पाउँदैछु भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ मोबाइल रिकभरीको रेट पहिलाको भन्दा धेरै गुणा बढेर गएको छ। थानाले त्यो चिठी हाम्रो डिआइडीमा पठाउने गर्थ्यो, अहिले पनि त्यही चलन त्यही नै छ र हामीले कोसिस गर्थ्यौँ। त्यति बेला मिसिन पनि कम्ती थियो, मेन पावर कम्ती थियो र पनि त्यति बेला हामी कोसिस गरेर रिकभरी गर्ने कुरा कोसिस गरेर रिकभरी गर्नु सक्षम पनि हुन्थ्यौँ। तर अहिले हाम्रो एसपी सर आउनुभएको थियो र एसपी सरले विशेष उसैको हराएको कुरा फर्काउनु जुन चाहिँ आनन्द पाउँछ, आउट अफ द स्टेट अदर स्टेटबाट ल्याएको छ, सिक्किमबाट ल्याउनु सक्षम भयो भनेपछि दुई तिनवटा चाहिँ हाम्रै बेङ्गालबाटै तर निकै टाढोबाट इस्लामपुर चोपडा त्यहाँबाट कालिया चोकहरूबाट पनि ल्याउनु सक्षम भएको। किसी के मिसिंग होते हैं या किसी का चोरी होता है तो दार्जिलिंग पुलिस ने ये 5-6 महीने से ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जो जिसका भी मोबाइल चला गया है मिसिंग है तो हम लोग रिकवर करके मेड भी अदर स्टेट से भी जैसे सिक्किम में से भी हम लोगों ने रिकवर करके जो राइटफुल ओनर है उनको हम लोगों ने रिटर्न कर दिया है। ये हर महीने चलता है, उसी तरह से इस महीने में 41 मोबाइल्स हम लोगों ने रिकवरी किए और वो सब राइटफुल ओनर्स को वापिस कर दिए। इसके साथ में ही हम लोगों ने अभी ये नया एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जिसका भी मोबाइल गया है उसके साथ साथ हम लोग एक सैपलिंग भी दे रहे हैं सो दैट ये जाके लैंड करे और उसका संरक्षण करे और दार्जिलिंग को हरा भरा करे। 6 महीने से चल रहा है, हर महीने में हम लोग जितने भी मोबाइल्स रिकवर होते हैं वो राइटफुल ओनर्स को हम लोग वापस करते हैं क्योंकि अभी मोबाइल जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है, बहुत इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी। सो उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं और हर एक मोबाइल का मिनिमम कीमत 10,000 रुपये है, उससे ज़्यादा ही है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोग इसको वापस राइटफुल ओनर को देते हैं तो उसको सेटिस्फैक्शन अलग सा आता है और एज वेल एज ए सर्विस टू पीपल एक तरह से हो जाता है। और एक है हम लोगों ने क्लीन दार्जिलिंग और ग्रीन दार्जिलिंग ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आप लोग फेसबुक पेज अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो जो वीआईपी पर्सन्स है या फेमस पर्सन्स है फेवरेट पीपल है दे आर गिविंग देयर बाइट रिगार्डिंग दी क्लीन एंड ग्रीन दार्जिलिंग। तो इसमें दे आर परसुइंग, वी आर ऑल्सो परसुइंग कि दार्जिलिंग में प्लांटेशन ज़्यादा हो, दार्जिलिंग में जो कचरा जो डिस्पोजल है वो प्रॉपरली हो, प्लास्टिक का यूज कम हो, जितने से ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो। जैसे आप लोगों ने देखा कि लेबोंग साइड में जो लैंडस्लाइड हुए उसका मेन रीज़न है यही कि प्लांटेशन जो है हम लोग कम कर रहे हैं। अगर प्लांटेशन जितना भी बढ़ जाए तो उसके रूट्स पकड़ के रखेंगे तो ये लैंडस्लाइड का जो हमारा समस्या है वो दार्जिलिंग का और कम हो जाएगा। इसलिए ये टोकन ऑफ दिस वी हैव गिवन दिस सैपलिंग्स टू दी पीपल ऑल्सो राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलरेडी आपने देखा है कि 2 महीने हम लोगों ने टोटल उनके खिलाफ जो हमारा अभियान चलाया था तो उसमें बहुत सारे ड्रग रिकवरी हुआ है, बहुत सारे पकड़े गए हैं, करीबन 50 के करीब केसेस हुए हैं। तो ये अभियान हम लोगों का और भी कड़ा होता जाएगा। आपके पास भी मैं पब्लिक को भी अपील करता हूँ कि आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है इस तरह की तो हमें दे दीजिए, डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में रूम में दीजिए या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे दीजिए, जो नंबर दिए
हम लोग हमारा यह अभियान कंटिन्यू चालू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।